जोहार। आज 25 जून है, यानी 25 जून 1975 में आज के दिन में देश के लोकतांत्रिक, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश में तानाशाही शासन यानी इमरजेंसी शुरू हुआ था। और ये इमरजेंसी कार्यकाल श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ था। ये 25 जून 1975 में जब ये इमरजेंसी लागू हुई तो उसमें प्रेस में प्रतिबंध, ओपोजिशन नेताओं की गिरफ्तारी और मनमानी तानाशाही, और इस तरह हिटलर शाही एक लोकतंत्र को राजतंत्र में तब्दील किया गया। और ये भारत देश जैसे मैंने दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक ये देश, ये इसमें करीब 21 महीना तक ये यहाँ पर तानाशाही चला, इमरजेंसी चला। उस दरमियान जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का ऐलान किया, और देखते ही देखते 1974 से शुरू हुआ जेपी आंदोलन, और 3 साल के अंदर में 1977 में सत्ता परिवर्तन हुआ, व्यवस्था परिवर्तन हुआ, और इंदिरा गांधी को जेल में के सलाखों के पीछे जाना पड़ा। आज कोमाबेश झारखंड में वही स्थिति है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि भ्रष्टाचार झारखंड में अखंड डूबा हुआ है। मैं आज के तारीख में अपील करना चाहता हूं कि यहां पर ना पक्ष ना विपक्ष, दोनों ही भ्रष्टाचार को जन्म दिया है और झारखंड को बेचने का काम किया है। 2024 के विधानसभा चुनाव में मैं अपील करता हूं समान विचारधारा दलों को, राजनीतिक संगठनों को एकजुटता कायम करना है, और ना बीजेपी गठबंधन ना जेएमएम गठबंधन, दोनों को दूरी रखते हुए तीसरा विकल्प झारखंड पीपुल्स पार्टी जेपीपी की ओर से अपील करना चाहता हूं। ये गोलबंद हो जाए। आज राजनीति का तकाजा ये है कि राजनीति मूल्यों की राजनीति नहीं हो रही है, मुद्दों की राजनीति नहीं हो रही है, केवल मुद्रा की राजनीति हो रहा है। और आदिवासी में तो और आदिवासी समाज में तो ना मुद्दों की ना मुद्रा की बल्कि मदिरा की राजनीति, ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा घातक है। आज राजनीति की नैतिकता पतन हो चुकी है, इसलिए झारखंड राज 24 साल हो गया। 24 वर्षों के अंदर में 12वां मुख्यमंत्री बदले गए, 5 बार चुनाव हो चुकी, 3 बार राष्ट्रपति शासन। अब आइए सब मिलकर कर समान विचारधारा, फ्रेश लीडरशिप एंड फेयर पॉलिटिक्स, जो दागी नहीं हो, जो बागी नहीं हो, जो भ्रष्टाचारी ना हो, जो अपराधी नहीं हो, जो दुराचारी नहीं हो, इस तरह का जो है ना बेदाग छवि वाले युवा शक्तियों के हाथ में 2024 में झारखंड की तस्वीर बदलेंगे, झारखंडियों के तकदीर बदलेंगे। यही संदेश के साथ 25 तारीख को मैं इसको आह्वान करना चाहता हूँ। जोहार।